हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आरी रॉयल्स पर। हम अपने मोटरसाइकिल में अलग अलग टाइप के बैकरेस्ट को इंस्टॉल करते हैं। कुछ लोग जो है वो स्टॉक बैकरेस्ट को ही लगाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो जो बैकरेस्ट है वो हिलने डुलने लगता है, क्योंकि उसे इंस्टॉल करते वक्त जो बोल्ट्स लगाते हैं वो बोल्ट्स जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको कंफर्म बता दूं, बैकरेस्ट जो बार बार लूज होने की प्रॉब्लम आप एक महीने में फेस करते थे, आज का वीडियो देखने के बाद आप जो ये प्रॉब्लम है वो 6-7 महीने बाद ही फेस करोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका यहाँ का बोल्ट गिर चुका है। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, इसका यहाँ का बोल्ट भी गिर चुका है और ये बोल्ट्स गिरने की वजह से ये हिलने लगा है। और आप तो जानते ही है कि मोटरसाइकिल को आगे पीछे करने के लिए हम इसका ही यूज करते हैं, इस पर ही मोटरसाइकिल का ज्यादा वेट आता है और तभी से ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस बैक सीट को मैंने खोल दिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फिक्स्ड सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बैक सीट को कैसे खोलना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिये, यहाँ पे 4 होल होते हैं बैकरेस्ट को लगाने के लिए। पिछले 2 होल के ऊपर, मतलब ये वाले होल के ऊपर नट नहीं होते हैं, तो हम बोल्ट के साथ नट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आगे वाले 2 होल के ऊपर, मतलब यहाँ वाले होल के ऊपर अगर आप ठीक से देखेंगे तो वहां पर नट दिए होते हैं, लेकिन उन्हें वेल्ड करके रखा होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और इसी वजह से दिक्कत आना शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिल को आगे पीछे करने के लिए हम बैकरेस्ट को ही पकड़ते हैं, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो पूरा जोर इन 4 बोल्ट्स के ऊपर ही आता है। आगे वाले जो 2 नट्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण नट के अंदर के साइड की जो थ्रेडिंग होती है वो खराब हो जाती है, जिसके वजह से बोल्ट्स अपनी जगह पे नहीं टिक पाते और गिर जाते हैं, जो कि मेरे बैकरेस्ट के साथ हुआ है। और आगे के नट्स अगर खराब हो जाते हैं तो पीछे के भी नट्स जल्दी खराब होने लगते हैं और इसी वजह से बैकरेस्ट हिलने डुलने लगता है। तो इसके ऊपर एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आगे वाले जो होल होते हैं वहां पर बोल्ट के साथ हम एक एक्स्ट्रा नट लगाएं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि इस रेस्टिंग रॉड की वजह से हम एक्स्ट्रा नट को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर उतनी जगह ही नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि जो रेस्टिंग रॉड है उसके आर पार ही हम होल करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ड्रिल मशीन से यहाँ पे होल किया है, मैं आपको इसे निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी इस रॉड के आर पार होल देख सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली इतनी पावरफुल ड्रिल मशीन नहीं थी, तो मैंने जो वो वेल्डिंग करने वाले होते हैं उनसे मैंने ये होल करवाए हैं। ये होल करने के लिए उन्होंने मुझसे सिर्फ 50 रुपए लिए हैं। यहाँ पर इसके आर पार होल किए हैं जिससे कि हम यहाँ पर बोल्ट को लगा सकते हैं। मैं आपको बोल्ट लगा के दिखाता हूँ। ये चारों बोल्ट्स 4 इंच के हैं, जो मैंने हार्डवेयर की दुकान से 16 रुपए पे लिए हैं। ये बोल्ट इस तरह से यहाँ पर लगाकर इस नट को इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको चारों बोल्ट्स को लगाने के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चारों बोल्ट्स और उनके ऊपर नट्स को लगाया है, और मैंने यहाँ पर 2-2 नट्स को लगाया है ताकि इसे ज्यादा मजबूती मिले। चलिए मैं अभी इसको क्लासिक 350 के ऊपर फिक्स करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने बैकसीट को वापस फिक्स कर दिया है। अभी आप बैकरेस्ट को पकड़कर कितना भी मोटरसाइकिल को आगे पीछे करिए, ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। इसमें पहले से ज्यादा मजबूती आ चुकी है। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।